नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले पाठ में हम लोगों ने सबर चरित की आलोचना की थी। तो सबर चरितालोचन, आलोचन मतलब देखना, तो हमने उसका एक भाग देख लिया था और इस बार हम क्या करेंगे, उसका दूसरा भाग देखेंगे और उसके बाद में फिर हम तोते की दशा पर पहुँचेंगे, सुख दशा का वर्णन देखेंगे। ठीक है, तो अभी सबर चरित का आलोचन जो है उसी को करते हैं, दूसरा भाग देख लेते हैं। अन्यतरस्तु सबर युवा ससंभ्रमं अवतीर्य तस्मात् करियुगल परिक्षोभितांभसः सरसो वैदुर्य द्रवानुकारी। अब देखिएगा, इसको समझना है। देखिए यहाँ पर आया था ना, इति चिंतयत्येव मयि, माने कि वैशंपायन ऐसा जो है सबर के चरित को सोच ही रहा था कि सबर सेनापति अटवी भ्रमण से उत्पन्न जो श्रम था उसको दूर करने की इच्छा से उसी सालमली तरु के नीचे छाया में कोदंड को अवतारित करके और शीघ्रता से परिजनों के द्वारा उपनीत लाए गए पल्लव के आसन के ऊपर समुपाविशत माने बैठ गया। ठीक है, पत्तों के आसन पर बैठ गया था कौन, सबर सेनापति मातंग। अब जो है विचार, अब उसके आगे की जो कहानी है उसको बता रहे हैं कि जब सबर सेनापति मातंग आसन पर बैठ गया, फिर उसके लिए अन्य तरस्तु सबरी उबाह, कहते हैं कि उसके लिए अन्यतर का मतलब है जिसका नाम पता नहीं है इस प्रकार का कोई। अन्यतर का मतलब क्या है, वैसे यहाँ पर अन्यतर भी पाठ है और अन्यतम भी पाठ है। अन्यतर का मतलब जिसका नाम पता नहीं है और अन्यतम पाठ है, अन्यतम अगर पाठ होगा तो उसका मतलब भी वही होगा कि बहुत से जो सबर सैनिक हैं उनके मध्य में कोई एक जिसका नाम पता नहीं है, ऐसा सबर युवा। सबर युवा का मतलब क्या है, जो युवा मतलब तरुण, तरुण जो सबर यानी भील, तरुण जो भील, जवान भील, जो अन्यतर या अन्यतम कहो, माने उन सब सैनिकों के मध्य में कोई एक। सभी सैनिकों के मध्य में कोई एक सबर युवा, यानी कि जो भील तरुण, वह ससंभ्रमम, ससंभ्रमम यानी शीघ्र ही। अवतीर्य, अवतीर्य का मतलब क्या है, अंदर प्रवेश करके, ये भी जोड़ लो। पहले अवतीर्य माने अंदर उतर कर, पहले ही अंदर उतर करके, समझ में आया कि नहीं, किसके अंदर उतर करके, पंपा सरोवर के, पहले ही पंपा सरोवर के अंदर उतर करके। ठीक है, पहले ही पंपा सरोवर के अंदर उतर करके तस्मात् करियुगल परिक्षोभितांभसः सरसः, कहते हैं तस्मात् माने उस, सरसह यानी सरोवर से, करयुगल परिक्षोभितांभसः, और वो किस प्रकार का जो सरोवर है, तो कहते हैं कि उसको उस सबर युवा ने अपने करयुगल से, करयुगल यानी हाथ के, युगल माने जोड़ों से, हाथ के जोड़े से परिक्षोभित कर दिया है। क्या कर दिया है, परिक्षोभित कर दिया है। क्यों परिक्षोभित कर दिया है, ताकि जो तिनके हैं वो इधर उधर हट जाएं, समझ में आया कि नहीं, तिनकों को हटाने के लिए पूरा क्या कर दिया है, अपने कर युगल माने हाथ के जोड़े से परिक्षोभित कर दिया है, यानी कि पूरा मथ दिया है, मथ दिया है या हिला दिया है।
हिला दिया है अंबस, अंबस माने जल, जिसका ऐसा है वह सरोवर। इतना समझ में आया कि नहीं? वो सरोवर कैसा है कि जिसका जो जल है, अंबस माने जिसका जल है, उस जल को क्या कर दिया है, हिला डाला है। किसने? उस सबर युवा ने। देखो बात समझना यह है थोड़ा सा, कि उन सैनिकों के मध्य में जो एक सबर युवा था, भील तरुण था, वो जल्दी से सरोवर के अंदर प्रवेश कर गया, पंपा सरोवर के अंदर अवतीर्य माने अंदर उतर गया, प्रवेश कर गया। और उसने क्या किया, तस्मात माने उस सरोवर से, और सरोवर कैसा है तो जिसको कर युगल माने हाथ के जोड़े से, जो सबर युवा अंदर प्रवेश किया है, उसने अपने हाथ के जोड़े से पूरा पानी को क्या कर दिया, परिक्षोभित कर दिया माने मथ दिया, हिला डाला, ताकि जो तिनके हैं वो एक तरफ हट जाएं। इस प्रकार से कर दिया है उसने। अंबस माने जल, जिसका ऐसा है सरसा माने सरोवर। उस सरोवर से क्या किया उसने, अंबह, अंबह माने जल को, जल को किसके, किस में भरा है, तो कमलिनी पत्रपुट में, जो कमलिनी रहती है, कमलिनी के जो पत्र माने पत्ते, उन पत्तों के पुट माने दोना, पात्र, पात्र में, समझ में आया कि नहीं, उसमें पात्र में, दोना में मतलब पात्र में, अंबा माने जल को, और प्रत्यग्र उद्धृताश्च, प्रत्यग्र माने ताजी ताजी, नई मतलब ताजी, उद्धृत माने जो निकाली गई, तोड़ी गई, जो मृणालिका है उनको समुपाहरण मतलब लाया। अब थोड़ा यही समझना है कि यहाँ पर जल को लाया है और मृणालिकाओं को लाया है, मृणाल खंडों को लाया है, ठीक है? तो उसी चीज का यहाँ पर जल का विशेषण दे रहे हैं। जल कैसा है, जल कहाँ से निकाला गया है, तो सरसा माने सरोवर से, और ताकि उसमें तिनके इत्यादि न रह जाएं, तो इसीलिए जल निकाला गया। तो अब जो जो सरोवर है, उस सरोवर में माने सरोवर के जल को पूरा परिक्षोभित क्यों किया, हिला दिया, मत क्यों दिया, था कि उसके जो तिनके हैं, गंदगी है, वो ऊपर से हट जाए, ठीक है? तो कर युगल माने हाथ के, कर युगल माने जोड़े से, परिक्षोभित माने पूरा मत हिला दिया है, अंबस माने जल, जिसका ऐसा सरसा माने सरोवर है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? वही बता रहे हैं कि अन्यतर माने अन्यतम, जो भी उन सभी सैनिकों के मध्य में कोई एक सबर युवा भील तरुण स्वसंभ्रम यानी शीघ्र ही अवतीर्य माने अंदर उतर करके, पहले अंदर उतरा और कहाँ, पंपा सरोवर के, और फिर तस्मात माने उस सरसा माने सरोवर से, कैसा सरोवर, तो जिसको सबर युवा ने अपने कर हाथ के युगल माने जोड़े से परिक्षोभित कर दिया है, मत दिया है, ऐसा मत दिया है, अंबस माने जल, जिसका ऐसा सरोवर। उस सरोवर से किसको किसको निकाला है उसने, जल को और मृणाल खंडों को निकाला है, जल और मृणाल खंडों को, ठीक है? मृणाल खंड खाने के लिए और जल पीने के लिए। अब जल कैसा है तो उसका विशेषण दे रहे हैं, वैदुर्य द्रवानुकारी, वैदुर्य द्रव का अनुकरण करने वाला है, वैदुर्य मणि होती है, वैदुर्य, वैदुर्य मणि। अब वो मणि मानो क्या हो गई हो, बात समझ में आई कि नहीं, वो मणि क्या हो गई हो, मानो पिघल गई हो। तो जब मणि पिघल जाएगी तो मणि क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगी, द्रव मतलब पिघल गई, मणि पिघली, तो वैदुर्य मणि होती है, एकदम श्वेत वर्ण की, बात समझ में आई कि नहीं, एकदम चमकती हुई मणि होती है वैदुर्य मणि। उसका जो द्रव यानी जो पिघल जाएगी, वो पिघली हुई हो जाएगी, द्रव हो जाएगी, तो उसके अनुकारी, अनुकारी माने समान, उसके समान वो जल है, क्योंकि जल भी एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, चमक रहा है, और जो वैदुर्य मणि का जो द्रव रहता है, जब वैदुर्य मणि पिघल जाती है तो जो द्रव रहता है ना, माने पिघली हुई जो मणि, वो जिस प्रकार से स्वच्छ होती है, निर्मल चमकदार होती है, वैसे ही तद अनुकारी, उसका अनुकरण करने वाला ये उसके समान जल है। किसका, पंपा सरोवर का जल। पंपा सरोवर के जल की विशेषता को अब यहां पर बता रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो अब देखिए, अब कह रहे हैं कि प्रलय दिवस कर किरणोपताप तापात अंबरईक देश में विलीनम। कहते हैं वो जल कैसा है, तो प्रलय दिवस कर किरणोपतापात,
जो प्रलय दिवस कर हैं। प्रलय काल के जो दिवसकर यानी दिनकर, प्रलय काल के जो दिवसकर यानी कि सूर्य, उन सूर्य के कर, देखिए एक मिनट, प्रलय काल के दिवसकर यानी सूर्य दिनकर, दिन को कौन करते हैं? सूर्य करते हैं। तो दिवसकर माने सूर्य, उन सूर्य की जो किरणें हैं, इतना समझ में आ गया कि नहीं? प्रलय काल में जिस प्रकार सूर्य बहुत भयंकर प्रचंड सूर्य हो जाता है, तो उस सूर्य की किरणें भी बहुत भयंकर प्रचंड हो जाती हैं, और उन किरणों के उपतापात माने उपताप से, उन किरणों के उपताप से, बात समझ में आई कि नहीं? किरणों के उपताप का मतलब है गर्मी से। अंबर एक देशम इव बिलीनम, इव माने मानो, अंबर माने आकाश का, एक देश माने एक टुकड़ा, बिलीनम का मतलब है नीचे जो है पिघल करके गिर गया हो, बिलीन मतलब पिघल करके गिर गया हो, समझ आया कि नहीं? कहां पर गिर गया हो? जमीन पर। क्या करके? पिघल करके, समझ आया कि नहीं? वो जल जो पंपा सरोवर का जल है, वो जल नहीं है, वास्तव में पिघला हुआ आसमान का टुकड़ा है। कैसे गिरा? तो प्रलय काल में जब दिनकर माने सूर्य की किरणें बहुत भयंकर गर्मी युक्त थीं, तो उन किरणों के उपताप माने गर्मी से, बात समझ में है कि नहीं? प्रलय काल में जो दिवसकर माने दिनकर सूर्य, प्रचंड सूर्य की प्रचंड किरणों के उपताप माने गर्मी से, इव माने मानो, अंबर का एक देश, अंबर माने आसमान का एक देश माने एक टुकड़ा, मानो विलीन हो गया हो, पिघल करके नीचे गिर गया हो, और वही पिघला हुआ जो है, जो आसमान का टुकड़ा पिघला हुआ नीचे गिरा था, वही जो है वो जल है, पंपा सरोवर का जल है, इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है। समझ में आ गया कि नहीं? ये बताना चाह रहे हैं कि वही जो है आसमान का एक टुकड़ा, मानो विलीन मतलब पिघल करके नीचे गिर गया हो, और वही पंपा सरोवर का जल का रूप धारण कर लिया है। पंपा सरोवर का जल जो है आसमान का पिघल करके गिरा हुआ टुकड़ा है। समझ में आ गया इतना? वही बता रहे, इंदु मंडलादि वो प्रस्यंदितम, इंदु मंडल से, जैसे मानो इंदु मंडल से प्रस्यंदित हुआ हो, इंदु मंडल मतलब चंद्रमा का मंडल, चंद्रमंडल, चंद्रमंडल से, इव माने मानो प्रस्यंदित हुआ हो, प्रस्यंदित हुआ हो मतलब पिघल करके गिरा हो, चंद्रमा का मंडल कैसा है? एकदम स्वच्छ, स्वच्छ है, श्वेत है, निर्मल है, श्वेत, स्वच्छ, निर्मल, जिस प्रकार से चंद्रमा का इंदु का मंडल है, चंद्रमा का मंडल, चंद्रमा का स्थान, उस स्थान से इव माने मानो प्रस्यंदित हुआ हो, पिघल करके नीचे बह गया हो, गिर गया हो, ये वही वाला जल है। और ऐसा लग रहा है द्रुतम इव मुक्ताफल निकरम, मुक्ताफल माने मोतियों का जो निकर यानी समूह, वो क्या हो गया हो? द्रुत हो गया हो, द्रुत यानी कि बह कर के जो है, इसके अंदर जो जल नहीं है, ये जल क्या है? ये जल जो है मोती पिघल करके बह गए हैं। मुक्ताफल निकरम, मुक्ताफल माने मोतियों का निकर यानी समूह, मोतियों का समूह, इव माने मानो द्रुत, द्रुत माने पिघल करके, पिघल गया हो, द्रवीभूत हो गया हो, समझ आया कि नहीं? द्रुतम माने पिघल गया, इव माने मानो, मुक्ताफल निकरम माने मोतियों का समूह, ये जल इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है कि ऐसे लग रहा है पूरी तरफ से, चारों तरफ से दे दीप्यमान जो जल है, ऐसा लग रहा है कि मोतियों का समूह था पहले, और वही पिघल करके जल का रूप ले लिया हो। और अत्यक्षतया स्पर्शानुमेयम हिमजडम, कहते हैं कि
अत्यक्षतया, अति माने बहुत ज्यादा, अत्यंत, अच्छ माने स्वच्छ, अत्यंत स्वच्छ होने से, अत्यंत स्वच्छ होने के कारण स्पर्शानुमेयम हिमजडम कहते हैं। स्पर्श के द्वारा अनुमेय मतलब अनुमान किया जा रहा है, बात समझ में आई कि नहीं। और हिमजडम, हिमजड़ का मतलब क्या है, हिम की तरह माने बर्फ की तरह ये जड़ है यानी शीतल है। देखो स्पर्शानुमेयम का मतलब समझिए, स्पर्श के द्वारा उसका अनुमान किया जा सकता है, आंखों के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता। आंखों के द्वारा इसको देखा नहीं जा सकता है, समझ में आया कि नहीं। स्पर्श के द्वारा छू करके, स्पर्श के द्वारा अनुमान, अनुमेय मतलब अनुमान किया जा सकता है कि यहाँ पर जल है, नहीं तो आंखों से तो दिखता ही नहीं, इतना ज्यादा वो पारदर्शी है ना कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर जल है कि नहीं है, आंखों से नहीं दिखता, इतना ज्यादा स्वच्छ है कि आंखों से उसको देख ही नहीं सकते, बात समझ में आई कि नहीं। इतना ज्यादा जो है आकाश जैसे आंखों से नहीं देख सकते ना, क्यों, क्योंकि आसमान अत्यंत क्या रहता है, पारदर्शी, वैसे ही ये जल भी इतना पारदर्शी है कि उसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ छू करके उसका अनुमान किया जा सकता है, स्पर्श छू करके अनुमेय मतलब अनुमान उसका किया जाने योग्य है। और हिम, हिम कहते हैं बर्फ को, बर्फ की तरह जड़ यानी शीतल है, बर्फ की तरह क्या है ये, शीतल है, समझ में आ गया कि नहीं। ऐसा जल, और जल कैसा है, तो अरविंद कोश रजह कषायम, अरविंद माने कमल का, अरविंद यानी जो कमल का कोश रहता है, कमल का जो कोश रहता है, कोश मतलब जहां पर उसमें पंखुड़ियां लगी रहती हैं, कमल की पंखुड़ियां जहां पर लगी रहती हैं उसको कहते हैं कमल का कोश, कमल का फूल की जो कोश यानी जहां पंखुड़ी लगी रहती हैं, तो उन पंखुड़ी जहां लगी रहेंगी तो उसमें पंखुड़ियों में क्या रहता है, फूल के अंदर धूल रहती है उसकी, क्या रहती है, फूल की रजह, रजह मतलब धूल रहती है, उसको पराग कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण रहते हैं धूल जैसे, तो उन धूल के द्वारा क्या हो गया है, ये कसाय हो गया है, बात समझ में आ गई कि नहीं। उस धूल के कारण क्या लग रहा है, वो थोड़ा सा कसाय इस प्रकार का लग रहा है, ठीक है, कसाय रस वाला, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं। एक कसाय विशेष प्रकार का रस होता है, तो उस रस वाला ये लग रहा है। अरविंद माने कमल के कोश, कमल का जो कोश मतलब जहां पंखुड़ी लगी रहती हैं, उस कोश में जो रज है, धूल है, पराग है फूल का, कमल का, उस पराग के कारण, पराग भी माने पानी में गिर गई तो वो जल कैसा हो गया, कसाय हो गया, कसाय रस वाला हो गया। ऐसा अम्भ माने जल, उस जल को कौन लाया है, वो अन्य तरस्तु सवर युवा माने जो उन सैनिकों के मध्य में एक भील युवक, और कमलिनी पत्र पुटेन, अच्छा जल लाया किसमें, भाई हाथों में थोड़े भर के ले आएगा, पात्र थोड़े है गिलास इत्यादि, तो कमलिनी के पत्र माने पत्तों का पुट माने दोना पात्र बना लिया, कमलिनी के पत्र माने पत्तों का पुट माने दोना पात्र बना लिया, और उसी में लेकर के आया है। और क्या लाया है, तो प्रत्यग्रोधृताश्च, प्रत्यग्र माने नई नई, जो उद्धृत माने निकाली गई, नई नई का जो निकाली गई है, उखाड़ी गई है, इसीलिए अतः एव, जो नई नई निकाली गई है, नई नई उखाड़ी गई, इसलिए धौत पंक निर्मला, धौत यानी धो दिया, यानी धो दिया है पंक, पंक माने कीचड़, तो जब कीचड़ धो दिया गया तो इसीलिए क्या हो गई है, निर्मल, निर्मल यानी कि स्वच्छ, जो मृणालिकाएं हैं, बात समझ में आई कि नहीं। मृणालिका मतलब क्या है, जो कमल के, कमल नाल के टुकड़े,
बात समझ में आ गई कि नहीं? जो कमलनाल के टुकड़े हैं, मृणाल हैं, कमलखंड हैं, कमलनाल के जो टुकड़े हैं वो, और अम्भा माने जल को, किसमें जल को किसमें लाया है? तो कमलिनी के पत्तों के दोने में, और नई ताजी जो है निकाली, उद्धृत माने उखाड़ी गई, निकाली गई, जो धौत पंक निर्मला माने पंक धौत माने धो दिया, तो इसीलिए निर्मल जो स्वच्छ कौन, मृणालिका माने कमलनाल के टुकड़े उनको, और जल को समुपाहरण, समुपाहरण मतलब लाया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? समुपाहरण मतलब लाया, किसके लिए लाया? सबर सेनापति के लिए समुपाहरण माने लाया। एक सैनिक जो था वो सबर सेनापति के लिए कमलनाल के टुकड़ों को और जल को लाया, कमलनाल के टुकड़ों को लाया और जल को लाया, मृणालिका को लाया और अम्भा माने जल को लाया, जल को कमलिनी के पत्र के पुट माने कमलिनी के पत्तों के दोने में भर के लाया। ठीक है, अब कहते हैं आपी तो सलिलश्च सेनापति, सेनापति ने जो क्या किया, उस सलिल को पी लिया। आपीत यानी कि अच्छे से, आ मतलब अच्छे से, पीत माने पी लिया, पी लिया सलिल माने जल, तो अच्छे से पी लिया है जल जिसने, ऐसा जो सेनापति, ऐसा जो सेनापति, ताह मृणालिका, बात समझ में आ गई कि नहीं? उसने सेनापति ने, ताह मतलब उन, मृणालिका मतलब कमल नाल के टुकड़ों को, मृणालिका यानी कि उन कमल नाल के टुकड़ों को, ताह माने उन, मृणालिका माने कमल नाल के टुकड़ों को, शशिकला इव संघिके यह क्रमेण अदशत, क्रमेण अदशत माने क्रम से, अदशत माने खा लिया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? किसकी तरह? तो कहते हैं जैसे सिंघकेय, सिंघकेय मतलब सिंघिका का पुत्र जो राहु है, इब माने जैसे, जैसे राहु क्या करता है शशिकला को, शशिकला यानी चंद्रमा की कला को, चंद्रमा की कलाओं को जो है सिंघकेय माने राहु क्या करता है, इब माने जैसे खा लेता है, वैसे ही, वैसे ही क्रमेण माने क्रम से, अदसत माने खा लिया किसने, सेनापति ने, ताह माने उन, मृणालिका मतलब कमल नाल को। समझ में आ गया कि नहीं? राहु जैसे चंद्रमा की कलाओं को, चंद्रमा को खा लेता है, इब माने उसी प्रकार से, उसी की तरह सेनापति ने, ताह मतलब उन, मृणालिका मतलब कमल नाल को, क्रमेण यानी क्रम से, अदसत माने खा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं अपगत श्रमश्च, अपगत मतलब दूर, गत माने हो गया, दूर चला गया जब श्रम, जिसका दूर चला गया है, श्रम माने परिश्रम, दूर हो गया परिश्रम जिसका, ऐसा कौन हुआ सेनापति, चौ माने और अपगत श्रम, अपगत श्रम यस्य, जिसका श्रम जो है माने परिश्रम क्या हो गया है, दूर हो गया है, ऐसा वह सेनापति उत्थाय माने उठकर, उत्थाय माने उठकर के, और परिपीतांभस, अच्छा कहते हैं उठकर के, परिपीतांभस सकलेन तेन सबर सैन्येन, अच्छा देखो जब तक इसने खाया उन मृणालिकाओं को और पानी पिया, तब तक जो सबरों के सैन्य यानी सेना, सबर सैन्य माने सेना, सबरों की सेना ने भी क्या कर लिया, तब तक जल पी लिया, परिपीतांभसा मतलब परिपीत माने पी लिया, अंभस माने जल, परिपीत माने पी लिया है, अंभस माने जल, जिसने, ऐसी कौन हो गई, ऐसी हो गई सबर की सेना, तो सकलेन माने संपूर्ण, सभी, तेन माने उस, तो सभी उस सबर सेना ने भी क्या कर लिया, परिपीतांभसा मतलब पी लिया है, अंभस माने जल जिसने,
ऐसी उस सकलेन तेन मने सभी उस संपूर्ण उस सबर सेनेन सबर सेना के द्वारा अनुगम में माना मतलब पीछा किया जाता हुआ, अनुगमन किया जाता हुआ। समझ में आया कि नहीं? पीछा या जाता हुआ, क्योंकि ये सबर सेना उसके पीछे चल रही है ना। सबर सेना ने भी क्या कर लिया है? परिपीतांबसा मतलब जल पी लिया है। सकल मने संपूर्ण, तेन मने उस जो पहले जिसका वर्णन कर चुके हैं, उसने भी जल पी लिया। उस सबर सैन्य सैन्य मने उस सबरों की सेना के द्वारा अनुगम में मानो तो पीछा किया, मने सबरों की सेना उसके पीछे चल रही है और वो आगे आगे चल रहा है। सनई सनई मने धीरे 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 अभिमत दिगंतरम अयासीत। अभिमत जो जो दिशा उसको जाना इष्ट है, अभिमत यानी कि अभिलषित, जिसको जो जिस दिशा में वो जाना चाहता है, जो दिशा उसको क्या है इष्ट है। तो इष्ट दिगंतर माने अन्य दिशा, दिगंतर यानी अन्य दिशा, अन्य दिशा को अयासित माने चला गया। कौन? सबर सेनापति। पीछे पीछे उसकी सेना भी चली गई, वो भी चला गया, जल पी लिया और मृणालिका को खा लिया, कमलनाल को खा लिया, और वो अभिमत माने इष्ट दिगंतर माने अन्य दिशा को अयासित यानी चला गया। अब कह रहे हैं लेकिन एक तमस्तु, एक तमा का मतलब उस सेना में एकतम माने जो एक, एक तमा का मतलब क्या है? उस सेना में, उस सेना में एक तमा तू माने एक कोई जिसका नाम पता नहीं है ऐसा, तो उस सेना में एक तो, ठीक है, एक तमस्तु माने एक तो, जरत छवर, जरत माने बूढ़ा, सबर माने भील, जो उनमें क्या था, एक कोई बूढ़ा किरात था, बूढ़ा जो भील था, जरत मतलब होता है बूढ़ा, शबर यानी भील, ठीक है। एक तो बात समझ में कि नहीं? तो मतलब किंतु लेना है उसको, कि और तो सब चले गए किंतु उस सेना में जो एकतम माने एक अकेला जो जरत सबर था, बूढ़ा भील था, वो क्या कर गया? वो तस्मात पुलिन बृंदात, तस्मात माने उस पुलिंद बृंदात, उस पुलिंद बृंद से, पुलिंद यानी कि सबरों का जो बृंद यानी समूह था, पुलिंद यानी जो सबरों का बृंद यानी समूह था। समझ में आया कि नहीं? तस्मात माने उस पुलिंद बृंद माने सबर समूह से, उस समर समूह से अनासादित हिरण पिशिता, ठीक है। तो तस्मात माने उस पुलिंद बृंद माने सबर समूह से अनासादित हरिण पिशिता। देखो इस बूढ़े सबर यानी भील को क्या नहीं मिल पाया? अनासादित माने नहीं मिल पाया। अनासादित का मतलब क्या है? नहीं प्राप्त कर सका। क्या? हरिण माने हिरण का, हिरण का, पिशित माने मांस। समझ में आया कि नहीं? हिरण का अनासादित, अनासादित माने नहीं प्राप्त कर सका है हरिण माने हिरण का, पिशित माने मांस, तो नहीं प्राप्त कर पाया है हरिण हिरण हिरण का पिशित माने मांस। तो ऐसा कौन हुआ? ऐसा हुआ वो बूढ़ा, बूढ़ा सबर, जो बूढ़ा भील था, वो अपने तस्मात माने उस पुलिंद बृंद से, पुलिंद माने सबरों के बृंद माने समूह से, अनासादित माने नहीं प्राप्त किया हिरण का, हिरण का पिसित माने मांस जिसने, ऐसा जो वो बूढ़ा सबर था। समझ में आया कि नहीं? माने पूरा सारा झुंड तो जो है निकल गया, ये उसके पीछे छूट गया। क्यों? क्योंकि इसने हिरण के मांस को प्राप्त नहीं कर पाया। तो ऐसा एक तमस्तु माने एक अकेला जो है जरल छबर माने बूढ़ा भील, तस्मात माने उस पुलिंद बृंद से, सबर समूह से, अनासादित हिरण पिशता, अनासादित माने नहीं प्राप्त कर पाया हिरण का पिसित माने मांस जिसने, ऐसा जो बूढ़ा सबर, पिशितासन इव विकृत दर्शन, पिशितासन की तरह, पिशित माने मांस, आसन माने खाने वाले, मांस खाने वाला कौन होता है? राक्षस।
पिशितासन मतलब क्या होता है? राक्षस। पिशितासन मतलब पिशित माने मांस को, आसन माने खाने वाले, कौन? राक्षस। इव माने उस राक्षस की तरह। विकृत दर्शना, विकृत मतलब भयंकर दर्शन वाला, की तरह। विकृत माने भयंकर दर्शन वाला, मतलब जिसको देखना क्या एकदम भयंकर है। समझ में आया कि नहीं? ये जो बूढ़ा सवर है किसकी तरह? पिशितासन की तरह, मांस खाने वाले राक्षस की तरह। इव माने की तरह। विकृत दर्शन है माने भयंकर दर्शन वाला। समझ में आया कि नहीं? अथवा पिशितासन का मतलब शेर इत्यादि भी ले सकते हैं, बाघ भी ले सकते हैं, क्योंकि जो पिशित माने मांस खाने वाले, शेर बाघ राक्षस जो भी ले लो, तो उस इव माने उसकी तरह। विकृत दर्शन माने भयंकर दर्शन वाला, कौन? ये बूढ़ा सबर। और जिसने अनासाधित हिरण पिशिता, हिरण का पिशित माने मांस जिसने प्राप्त नहीं कर पाया है, इस प्रकार का यह बूढ़ा शबर। पिशितार्थी, पिशितार्थी का मतलब क्या है? पिशित चाहने वाला। विद्यार्थी क्या होता है? विद्या चाहने वाला। पिशितार्थी, पिशितार्थी मतलब पिशितार्थी मतलब पिशित माने मांस, अर्थी माने चाहने वाला, मांस चाहने वाला। समझ में आया कि नहीं? ये बूढ़ा सवर, अब इसको तो हिरण का मांस तो मिला नहीं उस पुलिन बृंद माने सवर समूह से, तो पिशितार्थी माने मांस चाहने वाला। तस्मिन नेव तरुतले, तस्मिन माने उस, एव माने ही, तरुतले माने वृक्ष के तले माने नीचे, उस ही वृक्ष के नीचे, तले माने नीचे। तो तस्मिन नेव माने उस ही, तरुतले माने तरु माने वृक्ष के तले माने नीचे। मुहूर्तम इव, इव माने मानो, मुहूर्त माने थोड़ा, थोड़ी देर। इव माने मानो, माने थोड़ी देर, मानो थोड़ी देर। विलंबत, विलंबत मतलब रुका, विलंब किया, विलंब किया, विलंब किया मतलब रुका। समझ में आया कि नहीं? उसी सालमली वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे जो है सेनापति ने आराम किया था, तो वो तस्मिन्नेव उसी तरुतल माने वृक्ष के नीचे। मुहूर्तम भी माने थोड़ी देर, मानो विलंबत, विलंबत माने उसने थोड़ा सा विलंब किया, विलंब किया मतलब थोड़ी देर रुक गया। उसके बाद अंतरिते च सवर सेनापतौ, सवर सेनापति जो है अंतरित हो गया। अंतरित का मतलब क्या है? अंतरित यानी दूर चला गया, व्यवहित हो गया, छिप गया। समझ में आया कि नहीं? अंतरित माने दूर चला गया। अंतरित मतलब होता है छिप जाना, दूर चला जाना, क्योंकि बहुत से वृक्ष हैं, तो सबर सेनापति जंगल में घुस गया, एक उसकी सेना भी उसके पीछे चली गई, तो अंतरिते माने छिप जाने पर। च माने और छिप जाने पर, किसके छिप जाने पर? सबर सेनापतो माने सबर सेनापति के, सबर सेनापति के छिप जाने पर। सह माने वह, जीर्ण सबर, जीर्ण मतलब बूढ़ा, सबर माने वही भील किरात, वह जो बूढ़ा किरात था, बूढ़ा सबर था। पिबन इव, इव माने मानो, पिबन माने पीता हुआ, मानो पीता हुआ, क्या पीता हुआ? अस्माकम आयुंसि, अस्माकम मतलब हमारी, आयुंसि मतलब आयु को, हमारी आयु को। पिबन इव माने मानो पीता हुआ, क्यों? अब वो तो रुक गया वृक्ष के नीचे, मांस का इच्छा रखने वाला। पीछे बता चुके हैं ना कि जरच्छव रहा, एक तमस्तु माने उनमें जो एक जरच्छव था उस सेनापति माने सेना में, वो जो है तस्मात पुलिन बृंदात उस सबर समूह से अनासाधित हिरण पिस्ता, अनासाधित माने नहीं प्राप्त किया है, हिरण माने हिरण का पिसित माने मांस जिसने, पिशितासना माने पिसित माने मांस खाने वाले, शेर बाघ राक्षस इत्यादि की तरह। इव माने की तरह, विकृत दर्शन वाला, भयंकर दर्शन वाला। पिशितार्थी माने मांस चाहने वाला, पिशित माने मांस को अर्थी चाहने वाला। तस्मिन ने उतर तो ले, उसी साल मिली वृक्ष के तरु के नीचे जो है। मुहूर्तम भी माने मानो थोड़ी देर, विलंबत माने रुक गया, विलंब किया, सेना के पीछे नहीं निकल गया। और अंतरिते च सबर सेनापतो, सबर सेनापति जब छिप गया, निकल गया जो है, अब उसको देख नहीं पा रहा था, तब स माने वह जीर्ण सबरा माने बूढ़ा सबर, बूढ़ा किरात,
जीर्ण माने बूढ़ा, सबर माने की रात, पिबन निवस्माकम आयु से, स्माकम माने हमारी आयु से, आयु को पिबन निव मानो पीता हुआ, इव माने मानो, पिबन माने पीता हुआ, किसको, हमारी आयु को, क्योंकि अब तो वो रुक गया है, रुक गया तो मतलब वो वृक्ष के ऊपर चढ़ करके घोंसलों में जितने भी पक्षी हैं उनको क्या करेगा, मार देगा, मार मार के नीचे डाल देगा, इकट्ठा करके भर के ले जाएगा। समझ में आया कि नहीं, वही बता रहे हैं, हमारी आयु को पीता हुआ। और रुधिर बिंदु पाटलया कपिल भ्रूलता परिवेश भीषणया दृष्टिया गणयन निव सुककुल कुलाय स्थानानि, वही बता रहे, अपनी दृष्टि के द्वारा, दृष्टिया मतलब दृष्टि मतलब नेत्रों से, अपने नेत्रों से इव माने मानो, गणयन इव गिनता हुआ, अपनी दृष्टि से मानो गिनता हुआ, किसको गिनता हुआ, सुक कुल कुलाय स्थान, सुक माने तोतों के, तोतों के कुल माने समूह, तोतों के समूह के जो कुलाय स्थान है, कुलाय मतलब घोंसले के जो स्थान माने स्थान है, उन स्थान को, स्थानों को, समझ में आया कि नहीं, गणयन इव, इव माने मानो, गणयन माने गिनता हुआ, इव माने मानो, क्या गिनता हुआ, सुक कुल तोतों के कुल माने समूह के, तो सुक माने तोतों के कुल माने समूह के जो कुलाय स्थान है मतलब घोंसले के स्थान है, उनको कुलाय माने घोंसले के स्थान, अन्य स्थानों को गिनता हुआ, किसके द्वारा, अपनी दृष्टि अपने नेत्रों से, तो उसकी दृष्टि कैसी है, तो रुधिर बिंदु पाटलया, रुधिर बिंदु खून के, खून के बिंदु माने बूंदों से, पाटल मतलब लाल लाल है, पाटल यानी कि लाल लाल है, समझ में आया कि नहीं, अब क्योंकि खून के बिंदुओं से, समझ में आया कि नहीं, खून के बिंदु कहां से आ गए हैं, क्योंकि उस, अब तोतों को मार रहा है, तोतों को मारना है, मारने के लिए क्या चाहिए, कोप चाहिए, क्रोध चाहिए, अब उसको भूख तो लग ही रही है, मांस मिला नहीं, तो इसलिए चढ़कर के जो तोते, तोतों के जो क्या है घोंसले हैं उनको खोज करके और उन घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों को मार मार करके नीचे गिरा देगा। अब बात यह है कि पक्षी जो जवान होंगे वो तो उड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो बचे उनके बच्चे या जो बूढ़े बूढ़े पक्षी हैं जिनके पंख नहीं हैं या जिनके पंख थे तो अब वो टूट टाट गए हैं, तो ऐसे जो बूढ़े पक्षी या तो जो एकदम पक्षियों के बच्चे उनको क्या करेगा, एक मार के खा जाएगा। तो भाई बता रहे हैं कि वो अपनी दृष्टि से, दृष्टि कैसी है, तो उसकी आंखों में खून उतर आया है, क्योंकि अब बिना कोप के थोड़े उनको मार सकता है, तो कोप के कारण रुधिर बिंदु आंखों में क्या उतर आया, खून उतर आया, रुधिर माने खून के बिंदु माने बूंद उतर आए आंखों में, इसीलिए आंखें कैसी हो गई हैं, पाटल माने लाल लाल आंखें हो गई, उसकी जो दृष्टि नेत्र है लाल लाल हो गए हैं। और कैसी दृष्टि है उसकी, तो कपिल जो भ्रूलता, कपिल यानी कि थोड़े जो पीले, उसके जो भ्रूलता है, भ्रूलता मतलब होता है भौं, थोड़े कपिल यानी पीले पीले जो उसके भौं हैं, उन भौहों के, भौहों के परिवेश का मतलब होता है परिधि, भौहों की परिधि, भौहों की परिधि से जो भीषण माने भयंकर, मतलब उसकी आंखें तो ठीक हैं लेकिन आंखों के ऊपर जो भौहें हैं वो भौहें, भौहों की परिधि भी कैसी है, भौहों का जो परिवेश, परिवेश मतलब परिधि मतलब थोड़ा जो भौहें गोल गोल है ना उसी को कहते परिधि, तो वो भी भौहें भी कैसी हैं, कपिल हैं, पील पीत वर्ण की हैं, पिंगल वर्ण की हैं, तो कपिल यानी कि पीली वर्ण की जो भ्रूलता माने भौहें हैं वो भौहों का परिवेश माने परिधि है, थोड़ा घुमाव जो है, परिवेश माने परिधि मतलब जो घुमाव है वो भी क्या है, बहुत भीषण भयंकर है, तो इसी कारण से भयंकर क्या हो गई उसकी दृष्टि, ऐसे नेत्रों से गणयन इव गिनता हुआ मानो, किसको, सुककुल कुलाय स्थानानि, सुककुल माने तोतों के कुल समूह के, कुलाय माने घोंसले के स्थानों को गिनता हुआ, सेन इव, सेन की तरह, जैसे क्या हो, जैसे जो है माने जो पक्षी सेन पक्षी होता है
जो मैंने पक्षियों को मार मार करके उनके मांस को खा जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? तो सेन पक्षी के समान। बिहगाम इस स्वाद लाल सह, सेन पक्षी की तरह, जैसे सेन पक्षी क्या करता है अन्य पक्षियों को मार के खा लेता है, उसी प्रकार से सेन माने अब जो भी बाज इत्यादि होता हो, चील बाज जो भी हो, तो बिहगाम इस स्वाद लाल सह, बिहग माने पक्षियों के, आमिष माने मांस का, मांस के, स्वाद माने खाने की, खाएगा तभी ना स्वाद आएगा, खाने की लालसा मतलब इच्छा वाला। कौन वो बूढ़ा जो सबर था, वो कैसा है? सेन इव, सेन पक्षी की तरह, सेन पक्षी बाज इत्यादि की तरह, बिहग माने पक्षियों के, आमिष कहते हैं मांस के, स्वाद को यानी खाने को, लालसा मतलब इच्छा रखने वाला, लालसा रखने वाला, समझ में आया कि नहीं? बिहग यानी पक्षियों के, आमिष माने मांस के, स्वाद यानी खाने की, स्वाद लेने की, लालसा माने इच्छा रखने वाला, कौन? वो जो बूढ़ा सबर था। सुचिरम आर रुक्षुः, सुचिरम, सुचिरम का मतलब क्या है? देर से जो आर रुक्षुः यानी कि ऊपर चढ़ने की इच्छा रखने वाला, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो सुचिरम आर रुक्षुः, सुचिरम मतलब देर से, आर रुक्षुः यानी कि चढ़ना चाहता है, जो चढ़ने की इच्छा वाला, चढ़ने की इच्छा वाला, सुचिरम मतलब बहुत देर से, जो क्या है आर रुक्षुः है, आर रुक्षुः मतलब चढ़ने की इच्छा वाला है, ऐसा वह कौन? जो बूढ़ा सबर सैनिक। तम माने उस वनस्पति, मु वनस्पतिम, तम माने उस वनस्पतिम माने वृक्ष, उस वृक्ष, कौन सा वृक्ष? सालमली वृक्ष, समझ आया कि नहीं? तो सुचिरम माने देर से, आरुरुक्षो माने चढ़ने की इच्छा रखने वाला, उस पर चढ़ने को, चढ़ना चाहने वाला, समझ में आया कि नहीं? तम माने उस सालमली वृक्षम, सालमली वनस्पतिम, उस जो है, तम माने उस वनस्पतिम माने उस सालमली वृक्ष को, सालमली वृक्ष को आमूलात, आमूलात मतलब है नीचे से, जड़ से, आमूलात का अर्थ क्या है? जड़ से, मूल कहते हैं जड़ को, वो आ मतलब से लेना है, मतलब जड़ से, जड़ से चोटी तक, अपश्यत माने देखा, और देर, सुचिरम माने देर तक देखा, देर देर तक देखा उसको, अच्छे से भली भांति देखा कि इस पेड़ पर चढ़ सकेगा कि नहीं, वही बता रहे। सुचिरम माने देर से, माने देर तक देखा, आरुक्षु माने चढ़ने की इच्छा रखने वाला, तम माने उस वनस्पति माने वृक्ष को, सालमली वृक्ष को आमूलात मतलब जड़ से चोटी तक, अपश्यत माने उसने देखा, समझ में आया कि नहीं? और जब उसने देखा तो इतने से ही मानो ऐसा लगा कि जो तोते थे जितने भी, उन सबके प्राण निकल करके अब यमराज की तरफ चल दिए हों, समझ में आया कि नहीं? जहां उसने देखा केवल मात्र, उतने से ही क्या लगा? ऐसा लगा कि जैसे सबके प्राण जो है निकल करके ऊपर की तरफ चल दिए हों, वही बता रहे हैं। उत्क्रांतम इव तस्मिन क्षणे तदालोकन भीतानाम सुककुलानाम अशुभि, कहते हैं कि तदालोकन भीतानाम, उसको आलोकन मतलब देख करके, जो भीत माने डरे हुए हैं, समझ में आया कि नहीं? तदालोकन माने उसको देख करके, अथवा उसके देखने के कारण, उसके देखने के कारण जो डरे हुए हैं, तस्मिन क्षणे माने उस टाइम पर,
उस टाइम पर जहां जो है उसने देखा ऊपर, तो तत् माने उसके आलोकन माने देखने से, भीत माने डरे हुए, उसके देखने से डरे हुए जो सुक कुल हैं तोतों के, कुल माने समूह, झुंड तोतों का पूरा झुंड, उस झुंड के अशुभी माने प्राण, अशुभी माने प्राण मानो, इव इव का मतलब मानो, उत्क्रांतम, उत्क्रांतम का मतलब है निकल गए। ये जो है कर्म का प्रयोग है, अशुभि ही उत्क्रांतम इव, ठीक है, अशुभि माने प्राण जो है मानो ऊपर की तरफ निकल गए, समझ में आया कि नहीं, ऊपर स्वर्ग की तरफ चल दिए, तो अशुभि माने प्राणों के द्वारा, इव माने मानो, उत्क्रांतम इव मतलब निकल जाया गया, माने प्राण जो है निकल गए मानो, समझ में आया कि नहीं। तस्मिन क्षणे उस टाइम पर तदालोकन भीतानाम, उसके देखने के भयभीत माने डर से, तदालोकन उसके आलोकन माने देखने के, देखने के कारण भीत माने जो डरे हुए सुकुल हैं तोतों के समूह हैं उनके, अशुभी माने प्राण मानो, इव माने मानो, उत्क्रांतम माने निकल गए, निस्सृत हो गए उनके शरीर से प्राण मानो निकल गए, समझ में आया कि नहीं। किमि भी दुष्कर्म अकरुणा नाम सूक्ति है, आप लोग याद रखिए, कौन कह रहा है, तोता कह रहा है, पूछा जाएगा जो है किमि भी दुष्कर्म अकरुणा नाम कहाँ से लिया गया है, कादंबरी से, कौन कह रहा है, भाई संपायन कह रहा है, समझ में आया कि नहीं, महत्वपूर्ण सूक्ति है, लेकिन इस सूक्ति को क्या करेंगे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, इसको यहीं तक रहने देते हैं, समझ में आया कि नहीं, इस अनुच्छेद को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।